नमस्कार, जय धनवंतरी। मैं डॉक्टर सुचित्रा, स्वागत है आपका। और क्या आपके चेहरे पे या आपके किसी अन्य सदस्य के, फैमिली के सदस्य या किसी प्रियजन के चेहरे पे छाया पड़ गई है और वो परेशान है कि यह छाया है, वह जा ही नहीं रही है, मतलब चेहरे के किसी भी भाग पे पड़ सकती है, इधर इधर इधर, अलग अलग लोगों में अलग अलग जगह देखने को मिलती है। तो अगर आप उस छाया से परेशान हैं कि आती है जाती है, आती है जाती है, सही नहीं होती, परमानेंट ही रह गई है, तो आप डरिए मत, घबराइए मत। अभी हम बात करेंगे कि ऐसे छोटे से आसान से काम के बारे में, अगर आप वह करते हैं तो आपके चेहरे की झाइयाँ हट जाएगी, छाया हट जाएगी, चली जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो जायफल होता है, जायफल का आपको लेप बनाना है, ठीक है। पहले चेहरे को अच्छे से धो लीजिए, क्लीन कर लीजिए, सॉफ्ट एकदम चेहरा ठंडे पानी से या गुनगुने से, मतलब गुनगुने से थोड़ा सा हल्का सा ठंडा पानी, उससे ही आप चेहरे को धोइए। गर्म पानी से आप कभी चेहरा मत धोइए। तो उसको साफ़ कर लीजिए, उसके बाद जायफल का आप पेस्ट बनाइए, उस पेस्ट को आप अप्लाई करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि एक साथ में एक काम तो आपको ये करना है कि आप लेप लगाएं, उसके साथ दूसरा काम ये है कि आपको एक कटु तेल नाम से एक तेल आता है, कटु तेल, ठीक है। उस तेल को आपको शाम को सोते टाइम चेहरे पे उसकी मसाज करके आपको सोना है, ठीक है। तो अगर आप यह करते हैं दोनों काम, तो आपके चेहरे की डेफिनेटली जो छाया है वह चली जाएगी और आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। और आप यह प्रयोग करिए, कमेंट में आके हमें बताइए कि आपको कैसा इसका फ़ायदा हुआ। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बातें करते रहेंगे। आयुर्वेद को अपनाएं आप और एक सुखी आरोग्य वाला जीवन आप पाएं। नमस्कार, जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।